भी तो था ना, अगर आप इसको देखें कि हमारे यहाँ जो रवैये रहे हैं अब शायद बदल रहे हैं, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन दिस इंडस्ट्री, ठीक है? सो वो क्योंकि मोनेटाइज हो गया है तो उसकी एक कदर होना शुरू हुई है. पहले तो जो घरों में अगर आप, यानी मुझे याद है मैं कथक सीखती थी और मेरी वालदा हमें, मुझे और मदीहा यहाँ कराची लाया करती थी. यहाँ घनश्याम स्टूडियोज थे, एक बंगाली हिंदू फैमिली थी जिनका डांस तारा घनश्याम भी उनकी बेटी थी. तारा उनकी बेटी थी. She was a beautiful girl. Ah, I know. Or when we were, you know, brought here every summer. Especially summer. जी, बिल्कुल. बिल्कुल, क्योंकि हम हमारे घर में तो all these arts they were cultivated. ठीक है, मतलब I started the piano when I was 10 years old. I started the sitar when I was 8 years old. बट हमारे यहाँ गाना बजाना, मतलब मैंने जब कथक सीखा और मैं जब पढ़ने जा रही थी यूनिवर्सिटी में तो रियाजत करती थी तो सामने वाले जो हमारे नेबरहुड में पहले कभी ऐसे लोग नहीं थे. लेकिन जब घर बिकना शुरू हुए और बड़ा रकबा छोटा हो गया, फिर उसको बाजार के जो मर्चेंट्स हैं उन्होंने आके खरीद लिया, तो हमारे गेट पर पत्थर मारे जाते थे. ओह माय गॉड. और फिर कहा जाता था जी मतलब, तो ये भी तो एक एटीट्यूड का इशू पता है क्या. जब हम कराची में थे, व्हेन आई वाज अबाउट अ फ्यू, आई मीन 5 to 6 इयर्स ओल्ड, तो मेरे वालिद, जैसे मैंने बताया था, उन्होंने अम्मी को, उनको शौक था कि मेरी बीवी गाए, ये नहीं कि मतलब फिल्मों में गाए, बस उनको था कि क्लासिकल सीखे. तो यहाँ तक तो ठीक था. और ये तारा घनश्याम के वालिद से भी उनका बड़ा इंटरेक्शन था, फिर यहाँ पे उस क्लासिकल लोगों से भी था, मतलब जो म्यूजिक से रिलेटेड थे. जब हम लाहौर मूव हुए तो मेरे फादर को कोई इशू नहीं था. उन्होंने मेरी अम्मी से कहा जाके रेडियो पे क्यों नहीं गाती. मैंने कहा नहीं भाई, यहाँ का माहौल जरा डिफरेंट है अपना. उन्होंने तानपुरा और बाजा एक साइड पे रख दिया. उन्होंने कहा मैं नहीं कर रही है. मेरे फादर कहते तो क्या है तुम्हें, उनको हमें नहीं इजाजत दी थी उन्होंने अपनी बीवी के लिए, वो इतने लिबरल थे. लेकिन लाहौर का माहौल ऐसा था, जैसे कि कह रही है कि हमारी अम्मी ने खुद ही से कह दिया नहीं बस मैं नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो ठीक नहीं समझते. वो एक सर्टन कम्युनिटी को समझते हैं ना कि ये आर्ट से रिलेटेड है, तो हर किसी को वो आराम से उन्हीं का ताना देके और फौरन रिजेक्ट. हाँ, लेकिन उस कम्युनिटी से वो महसूस भी हो रहे होते हैं. वो तो खैर एक बाहर है, मतलब वो तो एक अलग एंटरटेनिंग एलिमेंट तो रहता है, लेकिन दूसरों को किसी को भी कुछ भी कह देना. लेकिन मैं जैसे मैं अब इंटरव्यूज करती हूँ जो नई नई लड़कियां आई हैं, तो मैं बहुत हैरान हो रही हूँ देखकर कि कोई लॉयर है, कोई ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आई है तो वो एक्टिंग में आई है, किसी ने बिजनेस पढ़ी हुई है और उस, क्योंकि उसने अपनी अम्मी अब्बू को खुश कर दिया है और अब वो करना चाहती है जो उसका ड्रीम है, वो एक्टिंग करना चाहती है, वो आर्ट का कोई हिस्सा बनना चाहती है. तो मुझे बड़ी देख के खुशी हो रही है. अब चेंज हुआ है सबका माइंड सेट, चेंज हुआ है. माँ बाप को भी बहुत सी चीजों ने एजुकेट किया है. जी, जी. उस वक्त के माँ बाप भी बहुत डरते भी थे, मना भी करते थे बच्ची की शादी नहीं होगी. ये एक तो था ना, चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हो जाओ.